और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस की सेना ने खार्किव में रॉकेट हमले का दावा किया है। PM-27 उक्रान मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है, यह रूस का दावा। खार्किव के इज्यूम शहर में यूक्रेन का सैनिक अड्डा तबाह, खार्किव के औद्योगिक केंद्रों को तबाह कर रहा है रूस लगातार अपने अटैक्स। ये रूस का महाघातक प्रहार है, इरादा यूक्रेन में भीषण संहार है। ये रूस के BM-27 उक्रान मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम है जिनके निशाने पर इस वक्त खार्किव का इज्यूम शहर है। खार्किव वो इलाका है जिस पर रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमले के शुरुआती दौर में ही चढ़ाई कर दी थी। बाद में रूसी सेना ने डोनबास पर फोकस किया तो खार्किव में उसका एक्शन धीमा हो गया था, लेकिन अब उसने अपने एक्शन का दायरा बढ़ा लिया है। खार्किव पर ये जबरदस्त हमला इसी का सबूत है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मारियोपोल के बाद अगर रूस इस पर कब्जा करने में कामयाब रहता है तो ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी शिकस्त होगी। इसकी दो वजह है, पहली तो ये कि खार्किव इंडस्ट्रियल सिटी है और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, और दूसरी वजह ये है कि खार्किव की हार यूक्रेन की फौज का मनोबल तोड़ सकती है। यही वजह है कि रूस इस पर कब्जे के लिए जोरदार प्रहार कर रहा है। इससे पहले रूस ऐसे ही हमले में खार्किव के बोहोडुखीव रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए यूक्रेनी हथियार भंडार को भी निशाना बना चुका है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।